सो हाय फ्रेंड्स, तो गुजरात में अत्यार सुधी में टोटल 3 राउंड की प्रोसेस थी है। पेरामेडिकल कोर्सेस मेटनी जमा बीएससी नर्सिंग जीएनएम वगैरह कोर्सेस है आ जाए। हम तरह खास कर प्रश्नों मैंने इंस्टाग्राम में आए थे कि शूँ सर आगे कोई राउंड योजा के नहीं, अथवा तो घनी बड़ी सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में सीटों खाली रही जैसे, तो यू शूँ थे तो आ वीडियो में अपने संपूर्ण चर्चा करूँ। जिला विद्यार्थी भाई बहन 3 राउंड सुधी में एडमिशन मिली गयु है, ये लोग कॉलेज से संतुष्ट होता अभ्यास चालू कर सके। घना बड़ी विद्यार्थियों प्रश्न हो कॉलेज क्यारे चालू थे, तो डायरेक्ट हमें कॉलेज संपर्क करवा अभ्यास चालू कर लेवा है। जे विद्यार्थियों ने एडमिशन नहीं मिलू एना खास कर मैंने प्रश्न इंस्टाग्राम में ये आए थे कि सर अमने एडमिशन नहीं मिली तो शूँ थे। तो मित्रों आ वर्ष की बात करिए तो सरकार द्वारा एट्ल के इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा तमाम स्टेट ने महिती आपती कि जर राउंड की प्रोसेस है जला पर राउंड करवा हो 31 जान्युआरी सुधी कर लेवा है। तो आ जान्युआरी महीनों से पूरा थी गये है। आप जो ऑथोरिटी द्वारा वेबसाइट में महिती मुकती कि जन विद्यार्थियों ने एडमिशन मिली गयु है, यद्यार्थियों ने 30 तारीख सुधी में कॉलेज संपर्क कर एडमिशन से कन्फर्म कर लेवा है। हमें जो तीजा राउंड रिजल्ट आ गए त्यारथी जेटला पण विद्यार्थियों ने पोतानी कॉलेज पसंद हो तो एडमिशन से कन्फर्म कर लेवानुं छे। ऑथोरिटी द्वारा वेबसाइट में माहिती मुकवामां आवी हती कि जे पण तमे तीजा राउंड सुधी में एडमिशन कन्फर्म करशो त्यार पछी तमे कोई पण एडमिशन से केन्सल कर सकशो नहीं। एटले जो तमने तीजा राउंड में एडमिशन मळी गयो होय कॉलेज थी तमे संतुष्ट होय तो पोतानो अभ्यास चालू कर सको। तमारो एडमिशन कन्फर्म थी जाए त्यार पछी तमारा खास करीने प्रश्नो ए होय होस्टेल अने स्कॉलरशिप, तो जे पण कॉलेज में तमने एडमिशन मळ्यो होय त्यां होस्टेल अवेलेबल होय छे तो होस्टेलनो संपर्क करीने तमारे एडमिशन से लई लेवानुं छे। अने जे महत्वनो जे तमारो खास टॉपिक होय छे एडमिशन पछी ए तमारी स्कॉलरशिप, तो स्कॉलरशिप पर मैं तमाम प्रकार वीडियो बनाए से MYSY CMMS NSP त्यार पछी फूड बिल सहाय साधन सहाय अथवा तो तुम डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप तमाम प्रकार की महिती ने वीडियो और फॉर्म भरना वीडियो बनाया है जो प्लेलिस्ट तुमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मिली जैसे। अत्यारे MYSY और CMMS स्कॉलरशिप फॉर्म चालू है, तो जेटला पण विद्यार्थी भाई बहनों ने एडमिशन मिली गयु है यों ने एडमिशन कन्फर्म थे पी MYSY CMMS में फॉर्म चालू है, तो फॉर्म इलिजिबिलिटी धरावता है भरी लेव जो आप अन्य लायकात धरावता विद्यार्थी हो अथवा तो फ्रीशिप कार्ड से एडमिशन लीधु ए विद्यार्थियों ने फरजियात डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप फॉर्म से भरवा है, तो ये डेट एक्सटेंड कर 100% हूँ तुम्हें अपडेट करीश। और वर्ष 2022-23-24 विद्यार्थियों ने डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप फॉर्म कई रीते भरू है यहाँ पर हूँ एक लाइव प्रश्न वीडियो साथ बनाई देश। यनी डिजिटल गुजरात स्कॉलरशिप तारीख से हज डिक्लेर नहीं करती, तुम वेबसाइट चेक ना करता हो तो चिंता करने जरूरत नहीं। हूँ 100% तुमने लोगों ने इंस्टाग्राम में स्टोरी रखी और पोस्ट राखी अपडेट से कर दीश। हूँ डेली जो अगत्य अपडेट्स इंस्टाग्राम में नाखो हूँ, तो हजू सुधी इंस्टाग्राम में फॉलो न करें तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो। चेनल में नवा तो चेनल ने सब्सक्राइबर करना भूलता नहीं। हमें जटली कॉलेजों में सीटों खाली रही गई है तो शूँ आग राउंड आशे कि नहीं खास कर प्रश्न से, तो अपने ऑथोरिटी द्वारा ये कहमत कि आ तमो तीजो राउंड है आनी पीछे तमो एडमिशन से कैंसल करवाश नहीं। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा ये महिती आपती कि 31 जान्युआरी सुधी में तमाम राउंड की प्रोसेस कर नाखवा से, परंतु जे आप गुजरात नर्सिंग काउंसिलिंग है यहाँ तरफ थी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग ने जे बीएससी नर्सिंग जीएनएम मुदत वारा एक अरजी से आपती एम बीएससी नर्सिंग 15 फेब्रुआरी सुधी राउंड की प्रोसेस थी सके परमिशन से मिली गई है, परंतु जीएनएम परमिशन से नहीं मिली। तो आप गुजरात नर्सिंग तरफ थी जे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से जीएनएम राउंड की प्रोसेस वारा परमिशन से मांगवामां आवी छे। जो परमिशन मिली जाए तो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग राउंड की प्रोसेस थी सके। फाइनली एवं 100% माहिती नहीं कि थई सके, परंतु बीएससी नर्सिंग और जीएनएम से एना परमिशन ना मिली जेथी करीने तमारो जो तीजो राउंड है तरत ज टूंका दिवसों में एनी जे योजना से करी नाखवामां आवी हती, जेथी करीने तीजो राउंड है तमारो जल्दी थी आवी गयो हतो अने एमां तमने समय से पण ओछो आपवामां आव्यो हतो। बीएससी नर्सिंग 15 फेब्रुआरी सुधी समय आपवामां आव्यो छे, एवी रीते जो जीएनएम पण मुदत वधारवामां आवे इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग द्वारा तो आगे तमारो राउंड से थई शके एम छे। आ वक्त तमे एडमिशन लेता हो तो आ तमारो वर्ष 22-23 गणा छे। हवे जे विद्यार्थियों वर्ष 21-22 में एडमिशन माटे फॉर्म भर्या था ए विद्यार्थियों टोटल 4 राउंड से योजाया था। अहींया तमे जे माहिती जोई शको छो वर्ष 2021-22 नी छे एमां टोटल 4 राउंड छे ते करवामां आव्या हता। तमारा तमाम राउंड नी प्रोसेस पूरी थई जाय त्यार पछी घणा विद्यार्थियों नो प्रश्न होय के सीटो खाली रही जाय तो एनुं शुं थाय, तो जे पण सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों में सीटो खाली रही जशे तो ए लोकोने नियम 17 हेठळ सीटो से भरवानी होय छे। एटले के जेटली पण कॉलेजों में सीटो खाली रही जशे एनी माहिती से वेबसाइट में अपडेट करवामां आवशे। अहींया तमे जे माहिती जोई शको छो वर्ष 2021-22 ની છે, 22-23 ની માહિતી છે વેબસાઇટ માં અપડેટ નથી કરવામાં આવી। નિયમ 17 હેઠળ કોલેજો છે પોતાની રીતે સીટો છે ભરી શકે છે, તો વર્ષ 2022-23 માટે પણ વેબસાઇટ માં એ માહિતી મૂકવામાં આવશે। ત્યાર પછી જેટલી પણ કોલેજો માં સીટો ખાલી હોય એનો ડાયરેક્ટ જ તમે સંપર્ક કરીને એડમિશન છે મેળવી શકો છો। જે લોકોને એડમિશન મળી ગયું છે એ લોકો એડમિશન છે લઈ શકે છે, મતલબ કોલેજ થી સંતુષ્ટ હોય તો પોતાનો અભ્યાસ છે ચાલુ કરી શકે છે। પછી વેબસાઇટ માં નિયમ 17 હેઠળ સેલ્ફ ફાઇનાન્સ કોલેજો નું લિસ્ટ છે તે મૂકવામાં આવશે, અને એમાં જો સીટો ખાલી હોય તો તમે ડાયરેક્ટ જ કોલેજ નો સંપર્ક કરીને એડમિશન છે મેળવી શકો છો। હવે ક્યારે મૂકવામાં આવશે એની કોઈ ફાઇનલ ડેટ
અપડેટ નથી, પરંતુ જ્યારે મૂકવામાં આવશે ત્યારે 100% હું તમને લોકોનો અપડેટ છે તે કરી દઈશ. અને એડમિશન પૂરું થયા પછી તમારે હોસ્ટેલ અને સ્કોલરશિપ કે બીજા કોઈપણ એના રિલેટેડ માહિતી હશે એ પણ હું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં નાખતો હોઉં. તો તમે ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ઇન્સ્ટાગ્રામમાં હજુ સુધી ફોલો ના કરતો ઇન્સ્ટાગ્રામમાં પણ ફોલો કરી લેજો. અને તમારે તમામ રાઉન્ડની પ્રોસેસ પૂરી થઈ જશે ત્યાર પછી ફી રિફંડ માટેની પ્રોસેસ એ પણ કરવામાં આવશે. અને જ્યારે કરવામાં આવશે ત્યારે પણ હું તમને લોકોનો અપડેટ છે તે કરી દઈશ. તો જેવું પણ તમારે મેડિકલ પેરામેડિકલ ફાર્મસીલથી કોઈ પણ અપડેટ આવશે તો એના પર હું વિડીયો છે તે બનાવી દઈશ. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક કરજો અને ચેનલમાં ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં.